सब तो पूरी रखेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सिद्धार्थ जी ने इतना लंबा वर्णन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो एक साधारण अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ और एक बहुत लंबी यात्रा है। वन शुड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। अच्छा बिजनेसमैन है या नहीं है वो सेकेंडरी है, अच्छा डॉक्टर है या नहीं है, बट एक अच्छा इंसान जिसके अंदर इंसानियत हो, अगर हमारे अंदर इंसानियत ही नहीं है तो हमें इंसान कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मानवता हमारी ख़त्म हो गई है, ह्यूमैनिटी, तो हम मानव कहलाने लायक नहीं है। समय का अभाव रहता है तो हम खान पान और दिनचर्या से शुरू करते हैं। खान पान में सबसे पहले हम बात करेंगे जल की। जल, जल ही जीवन है। हमारे शरीर में 70% जल है, वाटर, धरती पे भी 70% है। सुबह उठते ही उषा पान का एक शब्द यूज किया जाता है आयुर्वेदा में, उषा पान। सुबह हम उठे, ईश्वर से प्रार्थना की, हाथ पांव हिलाए, सुबह उठते ही एकदम से हमें बिस्तर से नहीं उतरना चाहिए। इससे आयुर्वेद के हिसाब से आपको हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन हैमरेज, या देख दो तुम हाय राम, डबल कर्टेन लगा रखे हैं, एसी चल रहा है, समय का पता ही नहीं चलता, अलार्म बजता है और बजता ही रहता है, हम इतनी सुबह ही नींद आती है। तो थोड़ा सा सुबह जब उठें तो आप 2 मिनट बैठें, प्रार्थना करें, ईश्वर का धन्यवाद करें कि परमात्मा तूने रात को सुला दिया, कोई अनहोनी नहीं हुई, सुबह उसका धन्यवाद हमेशा करते रहें कि सुबह तूने 24 घंटे का जीवन मुझे एक बार और दिया है तो मैं इसका सदुपयोग करूँगा, एक दिन का मौका मुझे और मिला है, और हर दिन अपना आखिरी दिन समझ के जिए, जी भर के जिए। तो सुबह उठते ही एकदम से बिस्तर से ना उतरें, उससे जो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में है, लंग्स में, हार्ट में, उस टाइम में ब्लड ज़्यादा होता है, नींद के टाइम में पाँव वगैरह में कम होता है, तो वो एकदम से आपका जो हार्ट में ब्लड है, ब्रेन में है, लंग्स में है, उनकी सफाई कर रहा होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम चलता है। अगर हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे शरीर की सफाई का अभियान चल रहा होता है और सारा ब्लड उन्हीं पुर्जों में लगा होता है, लीवर में, हार्ट में, किडनीज में, ब्रेन में। तो जैसे हम सुबह उठें तो एकदम से बिस्तर ना छोड़ें, पहले हाथ पांव को थोड़ा हिलाएं, लेटे लेटे आंखें खोलें, दो मिनट प्रार्थना करें, फिर पांव को लटकाएं 1-1.5 मिनट, फिर उठें। सुबह प्रार्थना जरूर करके उठें कि ये परमात्मा आज का दिन शुभ दिन हो, कोई अनहोनी ना हो, सब कुशल मंगल रहे, सबका भला हो, सबके भले में अपना हमारा भी भला है। तो इस तरह से अपनी दिनचर्या शुरू करें। उषा पान, गुनगुना पानी सुबह उठते अगर आप पियेंगे तो USA में, UK में इसको हाइड्रोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। जापान में लोग 1 से 1.5 लीटर पानी सुबह सुबह पीते हैं और जापान के लोगों की उम्र आप लोग हैरानी होगी कि 120 साल 130 साल के बहुत लोग जीवित हैं और बिल्कुल स्वस्थ भी हैं, जीवित हैं, बिस्तर में नहीं है, ICU में नहीं है। तो सुबह उठते ही पानी गुनगुना करें। मिट्टी की अगर हांडी ले आएँ तो ज़्यादा अच्छा है, मिट्टी की हांडी, मटका, इनका बड़ा महत्व है, क्योंकि हमने फिल्टर किया पानी, RO लगा लिया, RO ने सारे मिनरल्स निकाल फेंके, उसको प्लास्टिक की बोतल में भर के फ्रिज में रख दिया, फ्रिज ने जहरीली गैसें पानी में भर दी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और उसका अगर हम खड़े होके घुट घुट करके गड़गड़ करके पानी पियेंगे तो कोई दुनिया की ताकत हमें स्वस्थ नहीं रह सकती। तो मिट्टी के मटके में, गर्मियों के समय में मिट्टी का मटके का इस्तेमाल करें। मिट्टी की हांडी में अगर गर्मी का मौसम है, मार्च से जून तक मिट्टी की हांडी में पानी को गुनगुना करें, जो कि हम अक्सर करते हैं, जिससे हमें फ़ायदा हुआ है वही हम बातें शेयर करेंगे, बहुत टू दी पॉइंट बातें करेंगे, बहुत बोर नहीं करेंगे आपको, ये हमारा आश्वासन है। तो मिट्टी के पानी गुनगुना करें मंदी आँच पर, 1 गिलास से शुरुआत करें। सुबह उठते कुरला ना करें, जो रात भर की जो लार है वो अमृत के समान है, उसका सेवन करें, उसको घूट घूट करके सारी लार पेट में जानी चाहिए। जैसे पानी पीना सिखाता हूँ मैं आपको, पानी ये कांसे का गिलास है, ये लोटा है, इनका अपना एक महत्व है। अगर आपको पेट को ठीक रखना है और स्वस्थ रहना है तो इनका महत्व है, इनको खरीद लाएं,
ये बिस्लेरी जिंदाबाद, ये तो इमरजेंसी के लिए है। अगर आप आउटिंग पे गए हैं, मनाली गए हैं, शिमला गए हैं, तो अलग बात है। हम रूटीन में जो हमें करना चाहिए उसकी बात करेंगे। तो पानी को गुनगुना करें, शुरुआत करें एक गिलास से, अगर आप बिल्कुल नहीं पीते हैं। उठते ही कुरला करके पानी को वाशबेसिन में ना फेंकें, शुरुआत अच्छी करें। उठते ही हम लोग क्या करते हैं, गुड़ 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 करके, तो डॉक्टर साहब मैं तो सुबह उठते ही जी ब्रश करती हूँ जी, एकदम मुंह से एकदम गंदी सी बदबू आ रही है, इतना गंदा जी बासी थूक होता है, मैं तो सुबह उठते ही थूक देती हूँ जी। तो इस तरह की बातें हमारे काफ़ी मरीज करते हैं, तभी वो मरीज बन के आए। अटेंडेंट साथ में बैठा होता, वो कहता डॉक्टर साहब मैं इसको कई बार समझाता हूँ लेकिन ये नहीं मानती, मैं क्या करूँ और कहाँ मरूँ, ये नहीं मानती, शायद आपकी बात मान जाए। तो हम समझाते हैं, अगली बार 10 दिन बाद दोबारा आती हैं अनीता जी, कहती डॉक्टर साहब मैंने अब गुनगुना पानी शुरू कर दिया है जी, पति देव तो मेरे को 4 साल से समझा रहे थे, मैं तो उठते ही ब्रश करती थी जी कोलगेट से, लेकिन जब से आपने समझाया पता नहीं मेरे को समझ में आ गया, मेरी बात आपकी बात मेरे दिल में लग गई, मन में चली गई और मैंने अमल की, उससे मेरी गैस कुछ कम बनने लगी, मुझे कुछ अच्छा लगने लगा है, मुझे कुछ और नई बात बताओ। इस तरह की क्रिया शुरू हो जाती है, विश्वास बनने लग जाता है। उठते ही गुनगुना पानी पिए, एक गिलास से शुरुआत करें, धीरे धीरे 1.5 गिलास करें, 2 गिलास करें, 2.5 गिलास करें, पेट की आंतड़ियों की सफाई होगी, सारे आपके ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाएंगे, चुस्त हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे। दिन भर काम करना उनको, लीवर को भी काम करना है, किडनी को भी काम करना है, आंतड़ियों को भी काम करना है। तो शुरुआत पानी से करें, शुरुआत करिए हमने प्रार्थना से, प्रेयर से पानी की ओर, गुनगुना पानी मुंह में घूट घूट करके, जिससे कि सारी लार मिक्स हो जाए। पानी को गड़गड़ कर पियेंगे तो लार जो साइडों में लगी है, लार जो हमारे पेट के लिए बहुत कीमती है, सलाइवा लार थूक हमारे पेट में 24 घंटे तेजाब बनता रहता है, एसिड HCl हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एसिडिक है, जिसका pH कम है less than 7, जो लार हमारी अल्कलाइन है, अल्कलाइन में क्षारीय है। अगर वो लार पानी के जा रही है, ही मिक्स होके अंदर पेट में जाएगी, अगर हम घूट घूट करके पानी भी क्यों पीना चाहिए, उसका भी एक रीजन है कि भी धीरे धीरे पिए, आराम आराम, कोई जल्दी ना करें इन कामों में। सुबह उठते ही 1 गिलास से शुरुआत करके घूट घूट करके मुंह में घुमा घुमा के पानी पिए, शुरुआत प्लेन गुनगुना पानी, धीरे धीरे आधा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। एलोवेरा जूस आता है, ब्रीमून कंपनी का आता है, ABG कंपनी का आता है, पी सकते हैं, फोर एवर कंपनी का भी आता है, जो कि अच्छी क्वालिटी है, जिससे कि आपको रिजल्ट मिलेगा। और नॉर्मल आप कोई भी कंपनी, लोकल कंपनियां पिए तो आप पीते रहेंगे लेकिन कुछ फायदा नजर नहीं आएगा, हमें फायदे की बात करनी है, फायदे का सौदा। आंवला जूस भी आता है, ABG कंपनी का आंवला जूस भी बहुत अच्छा है, आंवला जूस ABG कंपनी का। 1-1.5 गिलास आपने प्लेन पानी पी लिया, आधा गिलास में 4 ढक्कन आंवले जूस के डाल लिया, 10 दिन एलोवेरा जूस डाल लिया, कभी नींबू पानी। नींबू से हड्डियां कमजोर नहीं होती है, कई मरीज कहते डॉक्टर साहब मेरी पड़ोसन आई कह रही नींबू मत पिया कर तेरी हड्डियां सारी गल जाएंगी। मैंने कहा हड्डियों के डॉक्टर, हमारी तो हड्डियां नहीं गली, हम तो नींबू पानी पीते हैं, वो तो बहुत बड़ा एक एंटीबायोटिक है, नींबू पानी से हड्डियां नहीं गलती हैं, ये बात बिल्कुल समझ लें। नमक ना डालें उसमें और नींबू आधा नींबू डालें 2 गिलास में, वो एक बहुत बड़ा एंटीबायोटिक का तरह काम करता है और बहुत अच्छी चीज है, फायदेमंद। मोटापा घटाने में भी बहुत फायदा करता है, मोटापा जो कि एक अभिशाप है और हम बहुत परेशान हैं मोटापे से। घुट घुट करके पानी पिया, धीरे धीरे बढ़ाएं, 1 लीटर तक ले जाएंगे तो मजा आने लग जाएगा, शरीर में एनर्जी स्टेमिना चुस्ती इतनी आने लग जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार क्या बात है। सस्ता और बढ़िया टोटका नुस्खा, दादी माँ का, नानी माँ का नुस्खा, सासू माँ के नुस्खे, राजीव जी के हिसाब से सासू माँ के नुस्खे सुनाते हैं राजीव जी। तो पानी सुबह पी लिया हमने, उसके बाद खाने से, भोजन से, खाने को हम शब्द यूज ना करके भोजन यूज करें। भोजन से पहले जो पानी पिएगा, जल पिएगा,
उसको बोलते हैं योगी, जो भोजन के साथ पिएगा पानी, कोक चिल्ड पानी, ठंडा ठंडा कूल कूल, उसको बोलते हैं भोगी, और जो बाद में पिएगा उसको बोलते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। जाग रहे हैं सभी भाई, नीरज जी जाग रहे हैं, उसको बोलेंगे रोगी। भोजन अंति विषम भारी, आयुर्वेद में लिखा हुआ कि भोजन के अंत में पिया हुआ जल विष के समान है। क्यों? अब हम आएंगे क्यों, आप बताइए जी, हमने तो सुना तो है लेकिन क्या फर्क पैंदा है जी, सारा भोजन नीचे तक चला जाता है जी और पच जाता है जी, हमें तो ऐसा लगता है जी पानी भोजन खाया सारा नीचे सटक जाएगा और हमारा खाना पच जाएगा। आप कह रहे हैं सड़ेगा खाना, पचेगा नहीं, तो इसका हम लॉजिक देंगे आपको वैज्ञानिक तरीके से। हमारे पेट में एक जठर अग्नि पैदा होती है जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम भोजन करने की सोचते भी हैं हमारे पेट में तैयारियां शुरू हो जाती हैं, एंजाइम्स निकलने शुरू हो जाते हैं, लीवर तैयार हो जाता है कि भोजन आने वाला है। सिर्फ सोचने से आपके मन में विचार आया, धर्म पत्नी कह रही है जी 5 मिनट इंतजार करो जी, अभी परोस रही हूं भोजन, थोड़ा सा इंतजार करो जी। भोजन का विचार आने से आपको आइडिया, बस आप बैठ गए हैं चौकड़ी मार के जमीन पे बैठ के भोजन करना शुरू कर दो, मजा आ जाएगा, कम खाया जाएगा क्योंकि पेट का साइज छोटा हो जाता है, उससे कम खाने में आपका पेट भर जाएगा। अगर आप चौकड़ी मार सकते हैं तो चौकड़ी मार के भोजन करें, बजाय कि खड़े होके, जानवर खड़े होके खाते हैं, इंसान तो आजकल चलते चलते खाने लगे, बच्चे तो हमारे जब स्कूल के लिए भाग रहे होते हैं बस निकल जाएगी तो माँ रोटी परांठा रोल करके दे देती, बेटा ये खाता हो चला जाइए, सेब खाता हो चला जाइए। बड़ा विचित्र समय है, समय हम लोग बहुत बिगड़ गए हैं, हम लोग पेस्टिसाइड्स को और पोल्यूशन को दोष देते रहते हैं कि दिल्ली में तो प्रदूषण बहुत है जी, मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, गैस चैम्बर में हम रह रहे हैं जी, पेस्टिसाइड्स इतने हैं जी, किसान ने इतना यूरिया डाल दिया जी, हम क्या करें जी, हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? हम छोटी मोटी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, ना सीखना चाहते हैं, जो हम जानते हैं उसको मानते नहीं हैं और जो नहीं जानते उसको जानना नहीं चाहते हैं, ये सोचते हैं कि हम तो सब जानते हैं जी, ये क्या बताएगा नया, हमें तो सब पता है जी, गूगल पे तो सब कुछ ऑनलाइन है जी, सारे नोट सारी चीजें लिखी हैं जी, लेकिन गूगल पे हम सर्च नहीं करते कि पानी कैसे पीना चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए, आंवला जूस कौन सी कंपनी का लूं मैं, मेथी दाने के क्या क्या फायदे हैं, फेनुग्रीक अल्टीमेट अद्भुत चीज प्रकृति की देन मेथी दाना। पुराने जमाने में मेथी के लड्डू खाती थी हमारी दादी, हमारी नानी को कभी घुटनों में दर्द नहीं हुआ क्योंकि वो कड़वी कड़वी चीजें खाती थी, हम सिर्फ कड़वी कड़वी गोलियां खाते हैं, हम कड़वी चीज खाना नहीं चाहते और फिर स्वस्थ होना चाहते हैं कि बात करते हैं कि स्वस्थ कैसे होएं। आंवला हमें अच्छा नहीं लगता, अल्फी तो डॉक्टर साहब क्या दे दिया आपने, ये अल्फी बेकार, उल्टी आने को हो जाती है जी, ये खाई तो जी मैं तो 2 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई, ये अद्भुत चीज अल्फी कड़वी कड़वी कोसेली, इनका अच्छी फायदेमंद चीज कोई भी स्वादिष्ट नहीं होती, एक चीज समझ के जाए यहां से, शरीर में जो चीज फायदा करेगी वो स्वादिष्ट नहीं होगी, स्वादिष्ट है तो वो नुकसान करेगी, ज्यादा खाई जाएगी, तो इसलिए माताओं से अनुरोध है कि बहुत स्वादिष्ट भोजन ना बनाएं। पहले त्योहारों पे ही पक्का भोजन बनता था, होली दिवाली भैया दूज रक्षाबंधन पे ही पक्का खाना बनता था, पूड़ी हलवा बनता था, खीर बनता था, मजा आता था खाते स्वाद लेके पूरी हलवा, लेकिन आजकल हमारे लिए रोज ही त्यौहार है, रोज ही हमें मोमोज और बर्गर पिज्जा चॉपसी बर्गर ये सब चाहिए, रोज ही हम शाही पनीर मखनी, हफ्ते में 2 दिन हम ऑनलाइन मंगवाते हैं शाही पनीर मखनी दाल, फिर स्वस्थ होने की बातें करते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। तो हम बात कर रहे थे भोजन से पहले जो पानी पिए उसको बोलते हैं योगी, जो बीच में पिए उसको बोलते हैं भोगी, बीच में फिर भी आप 2-4 घूंट पी सकते हैं। डॉक्टर साहब खाना अटक गया तो मैं क्या करूं जी, आपने कहा जी मैं भोगी बन जाऊंगी, मैं बीमार हो जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। मैंने कहा लस्सी पी लें, छाछ पी लें बहन जी, दोपहर को, सुबह आप जूस भी पी सकती हैं,
शाम को दूध भी पी सकती हैं। आयुर्वेद कहता है अगर आपको बहुत ही ज्यादा जल की जरूरत है, कुछ ऐसा लिक्विड चाहिए कि मेरे को तो आदत है जी मैं तो नहीं छोड़ सकती, तो कृपा करके गर्म पानी गुनगुना पी लें, ठंडा चिल्ड पानी या पेप्सी कोक कोल्ड ड्रिंक्स खाने के बीच में ना पिए। कॉम्बो मील गरम गरम पिज्जा आया डोमिनोज पे गए और ठंडी ठंडी कोक फ्री है जी, रेणुका जी कोक ले लो साथ में फ्री मिलेगी। रेणुका जी ने सोचा हाँ ये तो फ्री है, ये तो पीनी ही चाहिए, फ्री में मिलती है ना, तो उससे हमारा पेट खराब होगा। गरम गरम खाना खाया हमने, ठंडी ठंडी ये चीज डालेंगे तो आप जैसे देखेंगे आप कढ़ाई गरम है उसमें आप ठंडा पानी डालेंगे तो वो भाप वायु छोड़ती है, वास छोड़ेगी, वैसे ही फिर हमारे अंदर भी गैस पैदा होगी और वो हमारे शरीर को खराब करेगी। तो भोजन के अंत में जल धारण ना करें, एक घंटे अगर आपको आदत है जी तो धीरे धीरे सुधारें, एकदम से कुछ नहीं होने वाला। बीच में अगर आपको पीना है तो गुनगुना पानी पिए, अगर एक गिलास पीते हैं तो पौना गिलास पिए आज से, 5 दिन के बाद आधा गिलास, 10 दिन के बाद आधे से भी कम, उसके बाद धीरे धीरे आपकी आदत छूट जाएगी। मेरे को तो जी खाने के बीच में भी पानी चाहिए डॉक्टर साहब, और खाना खाते भी चाहिए। मैं तो जब भी दवाई खाती हूँ जब पानी पीती हूँ या रोटी के साथ पीती हूँ, अधिकतर मरीज हमारा यही बोलते हैं कि मैं पानी जब भी पीती हूँ या तो गोली के साथ पीती हूँ या रोटी के साथ लेती हूँ, बाकी तो मुझे प्यास लगती नहीं, मेरे को तो प्लेन पानी सुहाता ही नहीं, भाता ही नहीं, मुझे तो अच्छा ही नहीं लगता। फिर स्वस्थ होने की बात करते हैं तो बीच में आप लस्सी ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा ही है तो, दोपहर को वो भी, रात को लस्सी दही अवॉइड करें। बाद में अगर आपको खाना खाते ही पानी पीने की आदत है तो आप 20 मिनट बाद पिए, एक गिलास पीने की आदत है तो पौना गिलास, वैसे क्वांटिटी कम करते रहें, 15-15, 20-20 मिनट का गैप बढ़ाते रहें, 5 दिन के बाद 30 मिनट कर दें, 10 दिन के बाद 40 मिनट, फिर 50 मिनट। सही मायने में खाने से आधा पौना घंटे पहले पानी पिए, बीच में एक दो घूंट पिए, कभी कभी ज़्यादा ही अटक जाए तो, लस्सी ना मिले तो, और बाद में 1 से 1.5 घंटे बाद तो खाना अच्छी तरह पकेगा, पचेगा, ऊर्जा देगा, ताकत देगा, नहीं तो विष बन जाएगा आपका जो भोजन है आपके लिए, वो अमृत ना बनके विष बन जाएगा, आपकी छोटी सी गलती आपके लिए अभिशाप बन जाएगी और आप गैस की गोलियां खा खा के परेशान हो जाएंगे। इनो पियेंगे, डाइजिन पियेंगे, हम तो जिस सुबह उठते एक पेंटोसिर का इसका कैप्सूल खा लेते हैं डॉक्टर साहब, उससे पेट ठीक रहता है, फिर हम कुछ भी खा लें, ठंडा पानी पी लें, पिज्जा खा लें, हमें गैस नहीं बनती है। लेकिन आप गैस की दवाई रोज खाएंगे, रेगुलर खाएंगे, उससे आपकी हड्डियां कमजोर होंगी और गुर्दे पे भी असर आता है, आप गूगल बाबा से पूछ सकते हैं, हमारी कोई भी बात आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। गौरव जी आप बड़े नेट सेवी हैं तो आप कोई भी बात को क्रॉस चेक कर सकते हैं, चेक जरूर करें, ऑनलाइन चेक करें। क्या कह रहा था मैं, अभी भूल गया मैं, जरा बताएं जरा क्या कह रहा था जी, बताएं जी मनीष जी, अभी क्या कह रहा था मैं। हाँ जी सुनील जी आप खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जरा, थोड़ा हंसना भी जरूरी है, इतना सीरियस होना जरूरी नहीं है। अभी हम क्या बात कर रहे थे, और अभी अभी जस्ट क्या बात की थी, गूगल बाबा पे कोई भी चीज आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। माइक दे दें जरा, हाँ जी वॉलंटियर थोड़ा एक्टिव रहें, नींद तो नहीं आ रही किसी भाई बहन को, बोर तो नहीं हो रहा कोई, हाँ जी हंसते रहें, हंसते हंसते सीखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो आज से हम प्रण लेके जाएंगे कि अगर हम खाने के बीच में पानी पीते तो क्वांटिटी कम करेंगे, धीरे धीरे घटाएंगे, सुबह जूस, दोपहर को लस्सी छाछ, शाम को दूध पी सकते हैं। खाना खाते ही पीने की आदत है तो धीरे धीरे 20 मिनट बाद पौना गिलास, फिर आधा गिलास, फिर आधे से भी कम, धीरे धीरे 15-20 दिन में जहां चाय वहां रहा है। अगर आप चाहेंगे और आप 15-20 दिन प्रैक्टिस करके देखो, आपको पेट बहुत मुलायम रहने लग जाएगा आपका। कहते हैं पुरानी कहावत है, पांव को रखो गरम, पेट को रखो नरम और सर को रखो ठंडा, तो डॉक्टर को मारो डंडा, ऐसे बोलते हैं लोग। मेरे को मेरे बहुत बुजुर्ग दोस्त हैं 70 साल के 80 साल के लोगों के बीच में बैठने का मुझे बड़ा शौक था पहले, जब से गुरुकुल में जुड़ा हूँ तो थोड़ा मेरे वो दोस्त मुझे मिस करते हैं, लेकिन दोबारा मैं उनके पास ही अब जाने वाला हूँ दोबारा और नया ज्ञान लेने। तो सर को ठंडा रखें,
पेट को नरम रखने के लिए आप कुछ नुस्खे सीखे हमने, ठंडा पानी ना पिए, सुबह खाली पेट पानी पिए गुनगुना, एक गिलास, डेढ़ गिलास, दो गिलास, धीरे 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 बढ़ाएं, खाने से पहले जरूर पानी पिए, खाना अच्छी तरह पचेगा, तैयारियां अच्छी होंगी। अब भोजन अंति विषम बारी की बात कर रहे थे हम, भोजन के अंत में पिया हुआ जल विष के समान कैसे है? भोजन, जब हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं तो हमारे पेट में जठर अग्नि पैदा हो जाती है, ऑटोमेटिक जठर अग्नि, जो कि हमारे खाने को पचाएगी, डाइजेस्टिव जूसेस निकलने लग जाते हैं, हाथों से, लीवर से, पैंक्रियास से जूसेस निकलने लग जाते हैं खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और एक से डेढ़ घंटे तक ये प्रक्रिया चलती है। अगर आपने पानी पिया तो जठर अग्नि बुझ जाएगी, आप अग्नि के ऊपर पानी डालेंगे बहन जी तो अग्नि बुझ जाती है ना, गैस के ऊपर पानी डालो या मोमबत्ती के ऊपर पानी डालो तो बुझ जाएगी, नहीं बुझेगी? तो जठर अग्नि बुझ गई, गैस पैदा हुई, वायु पैदा हुई, खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा और बीमारियां देगा, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल पे। तो अब हम आगे आते हैं, नहाने से पहले और बाद में भी कुछ लोग बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर कम होता है नहाने से, अगर बाद में आप जल ग्रहण करते हैं गिलास नहा के आए तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, अगर जो ब्लड प्रेशर वाले भाई हैं, और रात को सोने से पहले अगर आप गुनगुना पानी पियेंगे उससे आपका हार्ट मजबूत होगा, दिल मजबूत करना बहुत जरूरी है, हार्ट अटैक आ रहे हैं कम उम्र में, तो सोने से पहले अगर आप गुनगुना पानी पीना शुरू कर दें तो आपका हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और रात को जो हार्ट अटैक आते हैं, रात को ठीक साक सोए थे जी पता नहीं क्या हुआ, वो तो एकदम ठीक थे जी, पता नहीं एकदम से क्या हो गया और चल बसे, सुबह उठे ही नहीं, ये ऐसी चीजें हमें काफी सुनने में मिलती हैं आजकल, और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। पहले 60 साल में हार्ट अटैक आते थे, अब 40 साल, 30 साल, 25 साल में भी हार्ट अटैक आने लगे हैं, हमारी गलतियों की वजह से, हमारे आलस की वजह से और हमारी टेंशन की वजह से। प्रकृति को, पोल्यूशन को, पेस्टिसाइड को दोष देना छोड़ दो, बहुत पोल्यूशन है जी। तो हमने जल के बारे में कुछ बातें पूछी, समझी, अब आरओ के बारे में बात करते हैं। आरओ लगवाया हुआ है जी, उसी के चैम्बर से हम तो जी पानी पी लेते हैं जी, मटका रखने की तो जगह ही नहीं है डॉक्टर साहब, माइक्रोवेव, ओटीजी, ओवन और क्या क्या चीज़ रखी है, मिक्सी भी रखी हुई है जी रसोई घर में, मटके की जगह बनानी पड़ेगी गर्मियों में, मार्च से जून जुलाई तक जब तक बारिश है। हमारे मध्य विवेक जी आए हुए हैं, विवेक कुमार जी, विवेक जी नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, उनके ऊपर हरी कृपा नहीं हुई है, जिसके ऊपर हरी कृपा होगी वही अच्छी जगह पहुंच पाएगा, यह बात आप समझ लो अच्छी तरह। हरी कृपा के बारे में भी हम बहुत बात करने वाले हैं अभी, हरी कृपा नहीं होगी तो आप अच्छी जगह जहां आपको फायदा होने वाला है, सत्संग, कीर्तन या मेडिटेशन का कोई कोर्स हो तो आपको जरूरी काम नहीं आएगा, आप पहुंच जाएंगे, नहीं तो आपको कोई ना कोई अड़चन विघ्न आएगा ही आएगा। आरओ जो है पानी को, मिनरल्स को, सबको निकाल देता है, उसको अगर प्लास्टिक का जार है, प्लास्टिक में रखा हुआ पानी विष के समान है, ये मजबूरी का नाम है, तो आप फिल्टर कर लें, उसके बाद उसको मटके में स्टोर कर लें, या तांबे का मटका ले आएं, लोटा ले आएं, बारिश के समय में तांबा वरना मटका, उसका पानी हमारे एक्सपर्ट आए नहीं है विवेक जी, उनसे भी मैंने डिस्कस किया, उनका आरओ का काम है, तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब अगर आप एक दो स्लाइस नींबू की काट के डाल देंगे मटके में तो उसका पीएच बढ़ जाता है, अल्कलाइन पीएच जाता है, जिसको कि जापान में कैंगन वाटर बोलते हैं, कैंगन वाटर, आप गूगल पे सर्च करेंगे कैंगन वाटर, अल्कलाइन वाटर। नॉर्मली आरओ में जो पानी है वो है एसिडिक वाटर, उसका पीएच कम है, वहां लाखों रुपए में वो मशीन मिलती है, कुछ लोगों ने वो मशीन खरीदी हुई है, वो अल्कलाइन वाटर प्रोवाइड करते हैं, काफी बीमारियां उससे ठीक होती हैं, पेट की भी और शरीर की भी, हड्डी जोड़ों की भी। अगर वो कहते हैं कि भी आप मिट्टी के मटके में रखेंगे तो पानी की पीएच वैसे ही बढ़ जाएगी, अल्कलाइन नंबर वन। जो मिनरल्स आरओ ने निकाल फेंके, मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, 18 मिनरल्स होते हैं हमारे शरीर में, और मिट्टी के, मिट्टी में भी सारे के सारे मिनरल्स होते हैं, 18 के 18
सेलेनियम, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, तो वो सारे के सारे मिनरल्स मिट्टी के मटके में अगर पानी आपने 10 से 12 घंटे रख दिया ओवरनाइट, तो वो सारे मिनरल जो आरओ ने फेंक दिए, तो वो तो मजबूरी होगी। अगर टीडीएस पानी का ज़्यादा है तो आपको आरओ लगवाना चाहिए। अगर टीडीएस 70-80 कॉरपोरेशन का पानी जिसके घर में आ रहा है, स्नेहलता जी सुन रही हैं आप, स्नेहलता जी हमारे मध्य हैं, काफ़ी खुशकिस्मत लोग हैं जिनके घरों में कॉरपोरेशन का पानी आता है डायरेक्ट। मनीष जी हैं दीपाली से आए हैं हमारे लाल महल वाले, तो जो लोग कॉरपोरेशन का डायरेक्ट पानी अगर आ रहा है तो उसमें आरओ ना लगवाएं, उसका टीडीएस चेक करवाएं। टीडीएस अगर 70-80-100 है तो उसमें नॉर्मल एक्वागार्ड जो चलता था वो लगवाएं। 99% घरों में आजकल आरओ लगा हुआ है, चाहे कॉरपोरेशन का पानी हो कुछ भी हो। अगर आपका डायरेक्ट पानी कॉरपोरेशन का आ रहा है, टीडीएस टेक्निकल डिपोजिटेबल डिपोजिटेबल सॉल्ट हो, एक टीडीएस होती है, कोई भी आपको जो आरओ की सर्विस करने उससे बोलो भी हमारा पानी का टीडीएस चेक करो कि फिल्टर करने से पहले कितना है। अगर वो 70-80-90-100-120-130 है तो वो उसमें आप नॉर्मल एक्वा गार्ड लगवाएं, आरओ ना लगवाएं प्लीज। आरओ लगवाना ये जी स्टेटस सिंबल हो गया है जी, कोई आएगा तो मेहमान रसोई में घुसेगा जी तो क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे, इसको छोड़ दो थोड़ा सा। तो एक्वा गार्ड, आरओ पे बात होगी, मिट्टी का मटके की बात होगी, उसमें अगर नींबू की स्लाइसेस एक दो कैरे डाल दो तो और ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। उसमें तुलसी का अर्क भी डालती है हमारी महबूब साहब, रेणु जी आई हुई हैं यहाँ पे, वो तुलसी का अर्क डाल देती हैं 2-4 बार, कई बार अजीब सा भी लगता है लेकिन वो डाल देती हैं, तो आदत सी पड़ गई है। तुलसी के 2-4 अर्क आता है, मुकेश भाई भी लेता है हमारा, तो पहले खांसी जुकाम काफ़ी रहता था मुकेश जी को, जब से इन्होंने आंवला जूस शुरू किया है, ये बताएंगे अभी, अपने भी विचार रखेंगे, ये जिनको जिसको जिस चीज़ से फ़ायदा हुआ है वो हम शेयरिंग भी कराएंगे, जिससे कि आपका विश्वास और बढ़ेगा। खाली मेरी बातों पे विश्वास ना करें, गूगल पे क्रॉस चेक करें और कुछ भाइयों के मुंह से सुने डायरेक्ट लाइव, तो आपको विश्वास हो जाएगा और आप उसको अमल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। 15 दिन 20 दिन में आपको फ़ायदा होने लग जाएगा, तो फिर मज़ा आ जाएगा, आपका यहाँ आना सफल हो जाएगा, और आप फिर अपनी 4 सहेलियों को 4 दोस्तों को भी बताएं और ये चीज़ें फैलाएं। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है और दुख बांटने से दुख फिलिंग द ब्लैंक्स घटता है। तो पानी के बारे में काफ़ी बातें हो गई, समय का भाव रहता है। अब आप आते दूध पे, दूध दूध तो पीना ही चाहिए जी, हड्डियों के लिए दूध तो बहुत ज़रूरी होता है जी। डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप तो कह रहे हो दूध मना कर, दूध मत पिया करो, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, आप सठिया तो नहीं गए हो, क्या आयुर्वेद अध्यात्म पढ़ने लगे हो? हम उनको समझाते हैं बहन जी, जो पहले दूध बनता था वो हम गाय की सेवा करते थे, घर में रखते थे, उसको नहलाते थे, उसको चारा खिलाते थे, चने खिलाते थे, बढ़िया सा चारा अपने हाथ से काटते थे, ताजा साफ सुथरा विधि विधान से उसकी सेवा होती थी, तो वो अमृत रूपी दूध हमें देती थी प्यार से। ये दूध के बारे में बातें करें तो आजकल जो गाय भैंस और ये आजकल जर्सी गाय का द्रव्यवाद चल रहा है, जर्सी गाय का दूध कैंसर तक करता है, ये रिसर्च आ चुकी है, आप गूगल पे सर्च करेंगे कि 90% गायें जो आजकल हैं जर्सी गाय हैं, जर्सी अमेरिकन, जो कि दूध देती है ज़्यादा, भैंस जैसी होती है 18-20 लीटर, हमें चाहिए ज़्यादा, ये दिल मांगे मोर। गाय, देसी गाय का दूध अगर मिलता है आप खुशकिस्मत हैं, फार्म हाउस खरीद सकते हैं, देसी गाय पाल सकते हैं, तभी आपको दूध ग्रहण करना चाहिए, या गौशाला में कहीं कृष्ण गौशाला से जुड़े हुए हैं या कोई अच्छी गौशाला आपके आसपास है, आपको पता है कि देसी गाय कुबड़ वाली गाय को बोलते हैं देसी गाय, वहाँ वो दूध निकालते हैं ताज़ा पैक करके मिलता है, थैलियों का दूध 1.5 दिन 2 दिन 3 दिन पुराना है, पास्चराइज्ड है, फ्रीजर में रखा हुआ है, उसमें केमिकल्स भी हैं, यूरिया भी है, मिक्सिंग भी की जाती है, क्योंकि इतनी गायें भैंस है ही नहीं, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो वो मिक्सिंग होना स्वाभाविक है, इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लें। गाय के पांव बांध के हमने इंजेक्शन लगा के दूध जो निकाला, वो गाय दूध नहीं दे रही, वो खून निकाल रही है, वो एक वो विष के समान है आयुर्वेद के हिसाब से, आजकल के समय के हिसाब से। नेचुरोपैथी की किसी भी डॉक्टर के पास आप अगर आप जाते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा जो सिखाते हैं, कोई नेचुरोपैथोलॉजिस्ट नेचुरोलॉजिस्ट है नेचुरो, तो वो दूध मना करते हैं, दूध से एलर्जी भी काफ़ी लोगों को होने लगी है, एलर्जी, मिल्क एलर्जी पहले तो सुनने में नहीं आती थी लेकिन आजकल तो बहुत आम हो गई है।
देसी गाय का दूध अगर गौशाला से मिलता है सेम डे, कब पिए जी? हम तो सुबह ही पीते हैं जी, बेटा तो सुबह ही पी के जाता है जी, सुबह जल्दी जल्दी में हम तो दूध ही बना के दे देते हैं जी, या तो बनाना शेक पी रहा है जी आजकल तो जी, बहुत स्वाद लगता है उसमें, बर्फ भी डाली हमने वो नुकसानदायक, चीनी डाली वो नुकसानदायक। मिल्क और बनाना का रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, बनाना और मिल्क, दूध और आम का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन में है। तो सुबह आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप दूध पियेंगे तो गैस बनाएगा, सुबह दूध नहीं पीना चाहिए। सुबह क्या दें जी आप? मौसमी का जूस दे दें, दलिया बना दें, स्टफ करके रोटी बना दें, कुछ उसमें भर दें, मेथी पालक बथुआ कुछ भी भर दें, स्टफ रोटी, मूली सर्दियों में आती है, प्याज, तो आपका गेहूँ कम जाएगा शरीर में। तो स्टफ रोटी खाने की आदत डालें, स्टफ रोटी, परौंठा ना खाएं, परौंठा परौंठा खाने की आदत धीरे धीरे बदलें, कभी कभी खा सकते हैं, स्टफ रोटी बना लें, फिर रोटी पे घी जरूर लगाना चाहिए क्योंकि अन्न की शुद्धि घी से होती है। सूखी रोटी खानी छोड़ दें, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं जो जी घी छोड़ दो जी, घुटनों के लिए देसी घी, अच्छा घी, प्योर घी अगर मिलता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी दादी नानी खाती थी, हमें ये देखना चाहिए कि हमारी दादी नानी क्या खाती थी, कि उसको तो कभी घुटनों में कटकट आवाज़ आई नहीं, मेरे दादा को तो कभी कमर में दर्द हुआ ही नहीं। एक बार हमारे पास एक पेशेंट आया श्याम लाल, सुनने वाली बात है ध्यान से, बोर तो नहीं हो रहा कोई भाई? पीछे कोई बोर तो नहीं हो रहा जी? मजा आ रहा है? किस किस कौन कौन बोर हो रहा? हाथ खड़े करें जरा, हाथ खड़ा करें, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, कुछ समझ में भी आ रहा है क्या? एक बार हमारे पास एक पेशेंट आया श्याम लाल, सुनने वाली बात है जरा, बीच में थोड़ा मजाक भी हो जाए, ज्यादा ज्ञान भी ठीक नहीं है, लिमिट में अच्छी चीज की भी हद बुरी है भैया, थोड़ा ऊपर करना जरा, अच्छी चीज की भी हद बुरी है, चाहे वो आंवला जूस क्यों ना हो, चाहे वो मेथी दाना क्यों ना हो, चाहे वो सैर क्यों ना हो। हम तो जी पार्क में गए जी, दौड़ लगा ली जी पहले दिन ही, थोड़ा ज्यादा चल रही है जी, दर्द बढ़ गया जी, आपने तो कहा था घूमो अच्छा रहेगा। अच्छी चीज की भी हद बुरी है, चाहे वो कोई भी चीज हो अच्छी हेल्दी, चाहे वो अलसी भी अगर आप ज्यादा खाएंगे तो दस्त लग जाएंगे आपको दस्त, तो लिमिट में लें अच्छी चीज भी कोई भी। श्यामलाल जी आते हैं 80 साल के बाबा, वो बाबा कहते हैं कि मैं आज आपके पास आया हूँ डॉक्टर साहब मिलने, मेरा ये बहू का तो घुटनों में कटकट है, ये 6 महीने से आपके पास आ रही है, और मेरा ये पोता है गर्दन का दर्द लेके घूमता रहता है, जब देखो कॉलर पहन के घूम रहा है, और जो मेरा बेटा है ये अरविंद, इसको कमर का दर्द नहीं ठीक होता, और ये कमर में बेल्ट लगा के रखता है, और ये बहू रानी पोचे लगाती नहीं, मैं कहता हूँ बेटा रगड़ो पोचे, वो वाइपर लेके आई है, मोप लेके आई है, मेरे को इसका जवाब दो, ये 2 साल से आपके पास आ रहे हैं, इनको आप ठीक नहीं कर सकते तो आप डॉक्टरी छोड़ दो। मेरे को तो आज तक कभी कमर में घुटनों में दर्द गर्दन में हुआ नहीं, मैं 80 साल का बुढ़ा, मैंने आज तक एक भी गोली नहीं खाई, खांसी हुआ जुकाम हुआ तुलसी का अर्क पी लिया, देसी नुस्खे कर लिए, भाप ले ली, स्टीम ले ली, मेरे तो आवाज नहीं आती, देखो मेरा घुटना देखो, आगे झुक के दिखाया उसने, बिल्कुल पूरे पांव छू दिए, गर्दन हिला के दिखाई। मैं कहा बाबा आप बात तो ठीक कर रहे हो, आपकी बहू रानी सास बहू के सीरियल देखती है, LCD LED TV आ गया है, बेडरूम में TV लगा दिया आपने, 4 कमरे हैं तो जी 4 TV हैं, आलसी हो गए हैं हम लोग, अच्छी चीजें कड़वी चीजें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हम जिम्मेवार हैं। हम आजकल के युग में भी बहुत लोग स्वस्थ लोग आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आज स्वस्थ नहीं है दिल्ली में रहते हुए, तो पानी की बात हो गई, दूध की बात हो गई, घी की भी काफी हद तक बात हुई, देसी घी का दूध, घी देसी घी के बारे में एक प्रताप कंपनी का घी आता है, पक्का घी होता है वो, पक्का, क्रीम का घी खाना छोड़ दें, क्रीम वो अच्छा घी नहीं है, कच्चा घी है, वो आपके नसों में जम जाएगा, पक्का घी है प्रताप कंपनी का आता है वो, जो दूध को आपने जमाया, दही जमाई, बिलोई, जो हमारी दादी नानी जैसे बनाती उस तरीके से बनाए हुए घी को बोलते पक्का घी। थोड़ा बहुत देसी घी जरूर खाना चाहिए, रोटी पे घी जरूर लगाएं, क्योंकि अन्न की शुद्धि किससे होती है घनश्याम जी? घी से। तो रोटी पे घी जरूर लगाएं, हल्का फुल्का, ज्यादा पूरा ना चौपड़े, जैसे पहले चौपड़ते थे ना हम,
अब थोड़ा सा हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा जी माइक वाले भैया कहाँ हैं थोड़ा मेरे को जो, तो घी के बारे में भी हो गया, तेल के घी, देसी घी में सब्जियां ना बनाएं, चाहे आप कितने पैसे वाले हों। हम तो जी बहुत पैसे वाले हैं डॉक्टर साहब, हम तो सब्जियां देसी घी में ही बनाते हैं जी। बहुत सारी हमारे पास महारानियाँ आती हैं राजघराने से, देसी घी में सब्जी तो जी अच्छी होती है जी। हम तो जी आलू में भी तड़का, दाल में भी उसी का लगाते हैं, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं। त्यौहार बार पे ज़्यादा स्वादिष्ट व्यंजन बनाना है आपको, आलू की सब्जी में तड़का देसी घी का लग जाए और दाल में देसी का तड़का लगे तो मज़ा डबल हो जाता है। हाँ जी निश्चल जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं, तो कभी कभी तो चलेगा, लेकिन रूटीन में आपको सरसों के तेल पे ही आना पड़ेगा। सरसों का तेल थोड़ा और ऊंचा करो काम, माइक वाले भैया काम, तो अभी तक हम तेल के बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। जिस भाई को भी, बहन को भी, बत्रा जी भी हमारे आए हुए मध्य, तो जिसको भी कोई भी क्वेश्चन पूछना जो अभी तक हमने बातें करी हैं उसके बारे में, और कोई या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, जैसे मुकेश जी बताएंगे कि भी मैंने तुलसी अर्क लिया जी मुझे फ़ायदा हुआ, तो साथ के साथ थोड़ा सा और हमारा विश्वास दृढ़ होता रहेगा, मजबूत होता रहेगा और हम अमल करने लग जाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। तेल सरसों का खाना चाहिए, सरसों स्मेल आती है जी, हम तो नमक डाल के उबाल लेते हैं जी, उससे स्मेल निकल जाती है जी, वो स्मेल में ही ताकत है। प्रोटीन्स हैं, पूफा पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल हैं, फेवरेबल हैं। सूखी सब्जी आप सरसों के तेल में बनाएं, लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, उसका भी फायदा, लोहे का लोहा आ जाएगा, लोह पुरुष बन जाएंगे। ये मीट, ये आप एल्युमिनियम की कढ़ाइयाँ धीरे धीरे निकाल दो, इनको बेच दो। पहले तो जी हमारे पास तांबे की, लोहे की, कांसे की कढ़ाइयाँ थी जी, कंपनियों का आयर आया, हमने तो सारा एल्युमिनियम ही एल्युमिनियम खरीद लिया जी, घर में पूरा एल्युमिनियम आ गया जी। अब कैसे आप कह रहे जी दोबारा, एल्युमिनियम एक बहुत खराब मेटल है। इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले अंग्रेज लोग जेलर्स जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको इस एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाते जिससे कि वो बीमार पड़े। एल्युमिनियम बहुत हार्मफुल यूटेंसिल है जो कि हमें भोजन पकाने में उसका इस्तेमाल अवॉइड करना चाहिए। धीरे धीरे हमें लोहे की कढ़ाई लानी चाहिए या स्टील का कुकर भी आता है, स्टील की कढ़ाई भी आती है, तो धीरे धीरे उनको आप जाएंगे तो सब मिलता है। थोड़ा सा समय निकालना शुरू कर दें, बाजार में सब्जी वाले के पास जाएँ, अच्छी अच्छी सब्जियाँ खरीदें, देख देख के, थोड़ी सी कोई महंगी दे रहा तो उससे लेने की कोशिश करें। अगर देखने में मतलब कई बार हम 10 रुपये 5 रुपये के लालच में वो गंदे नाले के जो पानी की सब्जी वो ले जाते हैं, थोड़ा सा थोड़ा अपना बुद्धि का ध्यान इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सब्जियों का, अपने मसाले अनाज की परचेज करनी शुरू करें। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन वेजिटेबल्स, ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा ज़माना है आजकल, घर बैठे बैठे ही मंगवाओ जी। मोबाइल पे हम आएंगे जब बात करेंगे उसके बारे में। तेल की बात हो रही थी, सरसों का तेल, काला ही सरसों का तेल अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। सूखी सब्जी बनाएं, उसमें गीली सब्जी अगर उसमें स्मेल आती है आपको, उसमें नमक डाल के उसको बॉयल ना करें तो उसके जो पौष्टिक तत्व हैं कम हो जाते हैं, ये ध्यान रखें। और आपके कोई गाँव में कोई रहता है किसी का तो वहाँ से टीन मंगवा लें 1 साल के लिए, वो जो तेल आएगा वो दिल्ली में जो ब्रांडेड कंपनियों का मिल रहा है, ईजिली अवेलेबल है, करोड़ों रुपए ऐड पे जा रहे हैं, तो वो क्वालिटी देने में सक्षम नहीं है, ये बात समझ लीजिए आप। बहुत ब्रांडेड चीज़ों पे कॉमनली अवेलेबल चीज़ों की खरीदारी कम कर दें। पीली सरसों का भी एक तेल आता है, उसमें स्मेल नहीं होती है, जिनको काली सरसों का तेल में स्मेल होती है, नारपुर में मिलता है। ऑलिव ऑयल तो बहुत अच्छा होता है जी, ये तो 500 रुपए के लीटर आता है जी, बहुत महंगा है जी। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, अधूरा ज्ञान, ज्ञान की कमी, मीडिया का प्रचार, एडवर्टीजमेंट का जमाना, एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रचार हुआ, फिर नॉनस्टिक यूटेंसिल्स, काले वाले यूटेंसिल चल रहे हैं आजकल, वो खरीद रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादा उस प्रचार पे ना जाएं,
दादी नानी को भी याद रखें कि दादी कैसे पकाती थी, कैसे खाती थी, कब खाती थी, दिन छिपने से पहले खा लेती थी।